हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेस विद अक्षिता। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, बस मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे कर रही हूँ कपड़ों की तय, तो थोड़ा बहुत काम भी कर रही हूँ घर का। अभी नहाई नहीं हूँ, बस सोचा पहले पूरी घर की डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह, और घर का जो सामान बिखरा हुआ है सारा समेट देती हूँ, तो उसके बाद ही नहाऊंगी। और अभी सोफ़े वगैरह की डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे जो सोफ़े हैं ना, इनको मैं रोज़ रोज़ तो नहीं झाड़ती हूँ, मतलब जैसे कभी कभी हाँ हला देती हूँ, वरना तो ये पता है इतनी जल्दी गंदे नहीं होते हैं और बिल्कुल खिसकते भी नहीं हैं इनके, क्योंकि कुशन जो है ना वो बहुत हैवी हैं। तो ये पीछे एक सोफ़ा रख रखा है मैंने, आपको पता है। और ये सब यहाँ की डस्टिंग वगैरह, चादर वगैरह, चादर वगैरह का काम तो ना डेली का ही रहता है साफ़ करने का इनको। और ये कलोनी का जो वाइट वॉश हो गया ना, उसके बाद ना देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है कलोनी देखने में भी अब। तो इन पे ना मेरी जो मेरी साइड की जो लाइन है ना, उस पे पूरी पे हो गया है। तो ये लोग करके ना आगे की तरफ पहुंच गए हैं, हमारी तरफ तो हो गया पूरा काम। और यहाँ पे ना मैं ये नई झाड़ू लेके आई थी, तो जो नई झाड़ू लेके आते हैं ना, तो उसमें कुछ रेशे से रहते हैं ना, तो उन्हीं को मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ की जो स्लिप सी है ना वो थोड़ी खुरदरी है, तो उससे जल्दी हट जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस मैं अभी आई हूँ नहा के और तैयार हो गई हूँ, और जिया को ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया है और काम भी फिनिश कर लिया है सारा। तो गाइस, बस अपनी चाय पी रही हूँ, और काम ख़त्म करके चाय पीने में, मतलब अपना नाश्ता करने में ना कुछ अलग ही अच्छा लगता है। और आज मैंने बनाया था मॉर्निंग में आलू का पराठा, तो जिया ने बस आधा पराठा खाया है आज, पूरा नहीं खाया। तो बस मैं अपनी चाय गरम कर रही हूँ, और अपने लिए भी पराठा बनाया था, तो पहले चलिए नाश्ता वगैरह ले लेती हूँ। लो थोड़ा सा पराठा, ये वाला भी खा लो। चटनी भी बनाई थी, तो आलू वगैरह के पराठे बनते हैं ना, तो चटनी मैं ज़रूर बनाती हूँ उस दिन। तो चलिए पहले चाय ले लूँ। आज ना मैंने ये डेनिम की जैकेट पहन रखी है, ऊपर से डाल रखी है, हल्की सी ठंडी लगी है तो ज़्यादा नहीं, तो इसीलिए। और ये वाली जैकेट ना मैंने दिल्ली से ही ली थी, गार्डन से, तब अपनी ननद को दिलवाई थी ना रक्षाबंधन पे, तो तभी मैंने भी एक अपने लिए ले ली थी। इस तरीके की है, कुछ अच्छी लगती है ना, जैसे टॉप पहनो अंदर और ऊपर से कुछ डाल लो, ऐसे ज़्यादा हैवी ना हो इस टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे इस टाइम जो चल रहा है, ज़्यादा धूप है और मतलब ठंड तो ज़्यादा है नहीं, तो इस नॉर्मल सी सर्दी में जैकेट वगैरह डाल लो हल्की सी, ऊपर से अच्छा लगता है। तो चलिए पहले चाय ले लेती हूँ मैं। तो अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट करके, नाश्ता करके, और आज ना धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है, और मेरे ना गेहूँ ख़त्म हो रहे हैं, तो गेहूँ थोड़ा रखा है, मेरा आटा ख़त्म होने वाला है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि बाहर सुखा देती हूँ। तो गाइस, मैं ना घर का ही मतलब गेहूँ आटा वगैरह पिसवाती हूँ, घर का ही पसंद करती हूँ, बाहर का थोड़ा कम करती हूँ। जैसे कभी इमरजेंसी में, जैसे इमरजेंसी क्या मतलब, जैसे कभी ख़त्म हो गया नहीं है घर में, तो तभी मैं बाहर से आटा वगैरह लेके आती हूँ, वरना ना घर का ही गेहूँ से पिसवाती हूँ। तो ये फोल्ड आज सुखा देती हूँ, फोल्ड। और अभी मैं यहाँ सुखा रही हूँ अपने गेहूँ, आज धूप भी अच्छी है ना, तो जल्दी ही सूख जाएंगे। और गाइज, आपको ना शुरू में बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ आ रखी होगी, क्योंकि कॉलोनी में रिनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कुछ। और गेहूँ भी सूखने के लिए रख दिए हैं, और अभी आ गई हूँ मैं खाना बनाने,
क्योंकि ये भी आ गए थे स्कूल से, तो इनका खाना दे रही हूँ बना के। और मॉर्निंग में तो मैंने आलू का पराठा बनाया था ना, तो वही स्टफिंग वगैरह बच गई थी, तो फिर मैंने इसी को ही आलू की रोटियाँ बना दी और दही वगैरह रखी थी और चटनी भी बनाई थी मॉर्निंग में, तो अब यही हो जाएगा। तो गाइस बस यहाँ खाना बना रही हूँ अपना, और फिर आज ना शाम को अक्षु के दादी दादू भी आने वाले हैं, तो अक्षु तो बहुत खुश हो गई सुन के कि मेरे दादी दादू आ रहे हैं। तो गाइस आज मम्मी पापा भी आ जाएंगे, शाम तक आ ही जाएंगे, और अभी मेरे को पता चला अचानक से कि मम्मी पापा भी आ रहे हैं, वरना क्योंकि कल ना पूर्णिमा है तो उनका अचानक से ही प्लान बन जाता है, पापा जी की छुट्टी है इसीलिए। वैसे तो कभी आना होता नहीं है, कभी कोई फेस्टिव वगैरह ही पड़ जाता है तभी आ जाते हैं, वरना तो बहुत ही मुश्किल से टाइम निकल पाता है आने का। तो गाइस यहाँ बस हरी चटनी बनाई है मैंने, मॉर्निंग में ही बनाई थी, और अभी आलू मेरी इस रोटी वगैरह बन गई हैं, और तो ये गेहूं वगैरह यहाँ पे आई हूँ देखने के लिए, और ये गेहूं ना सूख गए हैं तो आज ही मैं इसको पिसवा दूंगी। बस ये ना साफ़ थे बिल्कुल गेहूं, मम्मी ने बिल्कुल ये मम्मी ने दिए थे मेरी, तो बिल्कुल साफ़ वगैरह धुले हुए थे, बस इनको ऐसे रख काफ़ी टाइम से रखे थे ना, तो बस इनको छान लूँगी। और ये जो आप छलना देख रहे हैं ना, मैंने आपको दिखाया था पहले व्लॉग में एक बार, तो वही है ये गेहूं साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत जल्दी से हो जाते हैं इसमें, तो मेरे को अब मतलब इससे करती हूँ ना तो जल्दी से हो जाते हैं। वैसे जो दूसरे टाइप का होता ना उससे मेरे से नहीं हो पाते थे, पर इससे तो जल्दी से ही हो जाते हैं साफ़। तो घर में ना कुछ नया काम भी लगा ही रहता है इस तरीके से, जैसे कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है। और अब तो ना होली भी आ रही है तो सफाई का भी घर में बहुत काम है, और अलमीरा वगैरह भी किसी दिन मैं सोच रही हूँ साफ़ करने के लिए। तो बस मतलब हम ना खाली तो बैठ ही नहीं सकते, किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ नया काम लगा ही रहता है हम लोगों के साथ। और यहाँ ना मैंने आप देख रहे हैं एक हाथ में चूड़ी पहन रखी है और एक में नहीं है, क्योंकि मेरी ना रात में कुछ काम कर रही थी, और कांच की चूड़ियाँ पहनो ना तो इतनी तेज़ लगी मतलब वो गेट में कि बिल्कुल ब्लड निकल गया, और थोड़ा कट भी गया था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कट गया था, तो बहुत दर्द भी हो रहा था, जैसे कुछ काम कर रही थी ना तो ज़रा सा भी हिल रहा था मेरा हाथ, तो वो भी बहुत पेन कर रहा था, और कांच जो है ना मेरे अंदर तक थोड़ा अंदर चला गया था ना तो काफ़ी पेन हो रहा था, तो इसीलिए कुछ नहीं पहना हुआ एक हाथ में। तो गाइस बस ये गेहूं वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। और अभी जो आप ढोल बजता हुआ देख रहे थे ना, वो कॉलोनी में किसी की रिटायरमेंट ही हो रही थी तो उसी का ही उनका फंक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे ना कॉलोनी में मतलब किसी ना किसी की तो चलती रहती है रिटायरमेंट ही। और अब इस टाइम जो ये टाइम आ गया है ना, मार्च अप्रैल मई जून, इस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब किसी ना किसी की होती रहती है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो जल्दी से खाना वगैरह भी तैयार कर लेती हूँ, और उसके लिए भी तैयारी कर ली है मैंने, प्याज वगैरह सब मैंने भून लिया है यहाँ पे, और टमाटर की भी प्यूरी वगैरह बना ली है, और अभी यहाँ मसाला डाल दिया है सब्जी में। और इसमें क्या रेसिपी बताना, नॉर्मल मटर पनीर जैसे बनता है उसी तरीके से बना रही हूँ। तो बस गाइस जल्दी जल्दी बस खाना तैयार कर लेते हैं यहाँ। और गाइस अभी बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए चाय, क्योंकि थोड़ा हमारे घर में ना मतलब चाय सबको पीने की आदत है, मायके में भी और ससुराल में भी, तो जब सफ़र वगैरह से आओ ना तो थकान सी भी हो जाती है, और चाय उसके लिए बेस्ट ऑप्शन लगता है। तो गाय सब्जी भी बन गई है, खाना भी बन गया, और यहाँ अक्षु अपनी दादी के साथ खेल रही है और अपने सारे खिलौने दिखा रही है कि मेरे पास ये है ये है, कभी योगा करके दिखा रही है कभी कुछ दिखा रही है, तो देख सकते हैं आप कितनी खुश हो रही है वो। तो गाइज आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलती हूँ कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।